तो भाई साहब मैं जब जैसलमेर से क्या नाम है सैम गांव की तरफ पढ़ रहा था, तो ये भाई मेरे को रास्ते में मिले थे। क्या नाम है भाई आपका? तेजा। तेजा भाई। और ये भाई है आंध्रा से, और इनको कितने दिन हो गए निकले हुए आंध्रा से? 110 दिन हो गए हैं। और कितने स्टेट कर लिए आपने? आई थिंक 15+ हो गया। 15 स्टेट कर लिए हैं भाई ने 110 दिनों में। और ये जब हम मई में थे ना, मई में हम थे वहाँ पे लद्दाख में, तो ये भाई भी उस टाइम पे लद्दाख में ही थे। बट वो बात है कि यार हम मिल नहीं पाए उस टाइम पे। तो एक भाई और मिले थे, पुदीप भाई हमें। हाँ। तो यार आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा भाई। तो अभी देखते हैं कि आज दोनों स्टे साथ में करेंगे या फिर ये भाई आगे चल जाएंगे रेगिस्तान में। तो धन्यवाद भाई, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और चैनल का नाम क्या आपका? बीटी वेज चैनल का नाम है। और चैनल को करें सब्सक्राइब। जितने भी यार बंदे मेरे को सपोर्ट करें तो भाई को भी सपोर्ट ही करो यार, क्या दिक्कत आ रही है। अपने ही यार व्लॉगिंग कम्युनिटी के हैं, है नहीं? यस। मेरे को बहुत पसंद आ गया। एक आप भी पैदल चलते हैं, मतलब विदाउट पोल्यूशन। हाँ। तो कुछ कहना चाहोगे मेरी व्यूअर्स को? मतलब घूमने के लिए है तो साइकिल और पैदल, क्योंकि पोल्यूशन लेस। हाँ, हम ट्रैवलर्स हैं, इसलिए हम दुनिया को कुछ खराब मत कर। ये तो है। अब देखो, एक गाड़ी में जाएं या वैसे जाएं तो इन भाइयों से भी नहीं मिल पाएंगे। ये अपने यहीं के हैं, सैम गांव के। सैम गांव के। और ये भाई, इन्होंने मेरे को अभी स्टे के लिए ऑफर किया था अभी। अरे भाई, तो भाई थोड़ी देर में मिलते हैं भाई से, थोड़ी देर बातें करूँगा। और शाम में तो हम हैं ही यार साथ में, तो वीडियो तो बनती रहेगी। ओके जी, थोड़ी देर में मिलते हैं। तो भाई साहब शाम के बज रहे हैं 7 और हम हैं रोजानी रिजॉर्ट के सामने। और यहीं पे हमारा मतलब हमने सामान वामान यहीं पे रखा था, चार्ज वार्ज फ़ोन पे अपना यहीं भी किया है मैंने। तो अभी मैं जस्ट वहाँ से जब निकला था ना, तो इन भाई ने मेरा बोर्ड देख लिया था। तो यही है यहाँ के मतलब ओनर वो हैं। तो आप मैनेजर भाई ने मेरे को लिफ्ट दी थी। कहाँ से लिफ्ट दी थी आपने? हमने लिफ्ट दी थी आपको दामोदरा से घूमने के लिए। सब क्यों निकले भाई साहब? हरियाणा से बिलोंग करते हैं। आज हमारे यहाँ मेहमान आए जिस रोजाना रिजोर्ट पे। हमने यहाँ पे स्टे करने के लिए निर्णय लिया कि मेहमान है, घूमने के लिए निकले, लोगों को प्रचार कर रहे, बता रहे अपने बारे में। और ये अपना कैंप है, अभी कभी आओ, सेवा का मौका दीजिए। ड्यून से डेजर्ट की तरफ, जिनके 3 नामों के नाम से जानते हैं। ये अपना कैंप इनसाइड देख लीजिए आप आराम से। अच्छा, ये हमारे ओनर साहब, इनके बारे में बताएंगे, रास्ता निकलकर के बारे में आप इनके बारे में। ये है ओनर भैया, आपका नाम क्या है? अली भाई है यहाँ के ओनर। तो कुछ बताइए यहाँ का मतलब क्या खासियत है? ये जैसलमेर के सैम गांव में है, तो इस गांव के बारे में। हमारे इधर राजस्थान में डेजर्ट के अंदर रागमार मेहमान सैलानी पधारते हैं। अच्छा, इधर हमारे एक्टिविटी वगैरह होता है, कालबेलिया एक्टिविटी, राजस्थानी घूमर डांस वगैरह होता है। जैसे रागमार में इधर रहता है केसरिया पालम पधारो नी मारो देश। अच्छा, सोनरी धरती रे चांदी रो आसमान, रंग रंगीलो मारो रेगिस्तान, पधारो नी मारो देश। तो क्या नाम है, इस बार का मतलब ये जो सैलानी पैसे मतलब इस बार कम लग रहे हैं इस बार? अभी अगस्त से लगा के मार्च तक फुल चलेगा इधर। अक्टूबर नवंबर दिसंबर सीजन का टाइम है। अच्छा, इधर काफ़ी पब्लिक, कम से कम हजारों पब्लिक पर डे, 2000-4000 पब्लिक रहती है पर डे। एक समय तो ऐसा होता होगा कि सारा आपका ये जो जितना रिजोर्ट है ऐसा होता है, सब में नाइट के लिए भी नहीं मिलता है, ऐसा बहुत हो जाता है। अक्टूबर नवंबर से तो ऐसा चलता है कि पूरा एकदम भरा हुआ ही। घूमने के लिए तो हम देख सकते हैं आगे रिजॉर्ट। तो अभी मैं ना ये जो रिजवानी रिजॉर्ट है, मैं आपको ये अंदर से चल के दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ से स्वागत होता है। और एंड ये देख रहे हो, ये मोहतरमा है ट्रेडिशनल ड्रेस में, ये राजस्थानी ड्रेस। अच्छा, और ये कुर्ता और क्या नाम है, पगड़ी? पगड़ी है। अच्छा, राजस्थानी कलाकार, कस्तन कलाकार, पगड़ी ढोल वाला। अच्छा अच्छा,
तो अभी अंदर चलते हैं जी। खम्मा घणी जी, खम्मा घणी राजस्थान में मतलब वेलकम को खम्मा घणी कहते हैं ना, तो घणी। अच्छा हमें घणी खम्मा। अच्छा तो अभी रिजोर्ट के अंदर चलते हैं। एंट्रेंस गेट है। अच्छा सीजन की तैयारियां चल रही हैं। अच्छा अच्छा सीजन की तैयारियां चल रही हैं, आप देख सकते हो। चल रही है। हाँ। तो इस तरह से हमारे टेंट बने हुए हैं। स्टे करने के लिए टेंट्स हैं। अच्छा तो सीजन भाई साहब शुरू होगा और ये टेंट ऐसे लगने चालू हो गए हैं। मतलब एक टेंट का कितना चार्ज होता होगा भैया? मिनिमम 4,500। अच्छा मतलब वन नाइट। अच्छा फिर उसमें कितने भी बंदे रहो? टू मेंबर्स के लिए। अच्छा फॉरनर ज़्यादा आते होंगे यहाँ पे? बहुत सारे लोग आते हैं, इंडियन भी आते हैं, फॉरनर भी आते हैं। तो ये देख सकते हो, अंदर चल के देख सकते हैं क्या? बिल्कुल देख सकते हैं। तो अंदर चल के मैं दिखाता हूँ कि यार कैसी व्यवस्था होती है, क्या फैसिलिटी है, कैसा लोगों को कंपेयर करना किसी होटल के बराबर रहता है। हम आपको टेंट दिखा रहे हैं। अच्छा ये रहता है टेंट, इसके अंदर एसी वगैरह सब लगा हुआ रहता है। एसी वैसी सब कुछ है? सब कुछ है बिल्कुल। ये तो बहुत बढ़िया है यार, ये तो बहुत बढ़िया काम है। एसी वगैरह सब फैसिलिटी रहती है। हाँ जी अच्छा तो ये देखिए यार लग्जूरियस टेंट है। 4,000 का तो भाई बिल्कुल है, क्योंकि मिनिमम चार्ज रहेगा ही रहेगा क्योंकि एसी है। अब आप देख सकते हो यार ये सामान वामान भी देते हो ना जी? बिल्कुल। टू बेडरूम सेट है। एंड ये देखिए वॉशरूम मैं दिखा देता हूँ आपको, ये वेस्टर्न टॉयलेट है, ये देख सकते हो। तो ये एक और भाई हैं, ये इन्होंने भी लिफ्ट दी थी मेरे को। तो क्या नाम है भाई जी आपका? इकबाल। इकबाल भाई तो आप यहाँ के ओनर हो? जी सर। तो यहाँ पे अभी फंक्शन के लिए तैयारी हो रही है? हाँ, शाम का तैयारी हो रहा है। अच्छा राजस्थानी फोक डांस प्रोग्राम वगैरह सारा रहेगा वो? कालवेलिया डांस, घूमर डांस। अच्छा अच्छा अच्छा। फायर डांस, चक्का डांस। अच्छा ग्रुप डांस वगैरह सब रहेगा। अच्छा ग्रुप डांस। अच्छा जी तो हम आ सकते हैं आपके यहाँ? तो भाई साहब देख सकते हो भाई ने हमें अनुमति दे दी कि हम भी यहाँ पे आके मतलब वो क्या नाम अटेंड कर सकते हैं यहाँ के फंक्शन को। तो थैंक यू भाई। खम्मा घणी सा। अच्छा घणी खम्मा, मैं फिर से भूल गया। जैसे ये वेलकम राजस्थान, ये वेलकम है राजस्थान का। अगर ये भैया खम्मा घणी सा कहेंगे तो हम घणी खम्मा कहेंगे। अच्छा तो भाई साहब अभी थोड़ी देर में मिलते हैं। ओके जी। जवानी नहीं
रात के बज रहे हैं 10, हमने खाना वाना खा लिया है तो है ना यार, टेंट हमने ये अपने रेगिस्तान में लगाए जहाँ पे हम सुबह घूम रहे थे। ये अभी देखोगे ना, ये मेरा टेंट है, ये तेजा भाई का टेंट है। तो आज की वीडियो करते हैं समाप्त। और भाई कैसा लग रहा है आपको? बहुत पसंद आ गया आपको मिलके। एंड ट्रैवलर एक ही प्लेस में, ये रेगिस्तान असली प्लेस, क्योंकि राजस्थान कोई आ गए तो रेगिस्तान ही सोचते हैं। यस, अभी हम इधर रात इधर ही कैंपिंग। कोई आ गया वो होटल में रुकते, एसी रूम में चलते, बट हम थोड़ा अलग, बिल्कुल अलग। हाँ, ये तो कहते हैं ट्रैवलर्स। तो भाई आज की वीडियो करते हैं यहीं समाप्त। और है ना यार, वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। सब्सक्राइब नहीं करते तो यार अच्छा नहीं लगता ना। यस, अगर यस, एक और एक बंदा भी अटैच होता है ना हमारी फैमिली में, तो यार एक मोटिवेशन मिलती है कि हाँ भाई यार एक बंदा और हो गया हमारी फैमिली में। नहीं तो जी, कल मिलते हैं। ओके, बाय बाय। तेजा भाई कुछ कहोगे? यस, अंदर की गुड नाइट। ओके जी, बाय बाय। Yes, super.